नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशन जो वो प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले तवेरा की, और मैं आपको आज बताऊँगा एसेसरीज़ के बारे में। आपके काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं कि मुझे तवेरा जो है उसके एसेसरीज़ के बारे में बताइए, हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ लगा सकते हैं, क्या क्या और चीज़ें इसके अंदर हम लगा सकते हैं गाड़ी में। तो इसका मैं सारा वीडियो जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं मेरी गाड़ी में जो मैंने जो कुछ लगा रखा है वो मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि खर्चे आप कितने भी कर सकते हो गाड़ी में, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगती हैं उसके बारे में मैं सारा सारा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है हमारी तवेरा, और हम उसके उतने इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल करने की हमेशा दोस्तों कोशिश करते हैं। आपके पास भी गाड़ी होगी तो आप उसको हमेशा मेंटेन रखिए। मैं हमेशा इसमें साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छे से रखता हूँ। बाहर की साइड में मैंने देखे इसमें कोई भी प्रकार का कोई भी आप देख रहे हैं ज़्यादा एसेसरीज नहीं लगा रखी है, एक ये गार्ड जरूर लगा रखा है। इसके अलावा बाहर कुछ भी एसेसरीज नहीं है, पट्टी जो है वो आपको ज़रूर लगानी है गाड़ी के अंदर। और ये लाइटें वगैरह हैं इसमें, ये पूरी की पूरी तैयार होनी चाहिए। इसमें मैं कुछ फालतू की चीज़ें नहीं लगाता, और व्हील कैप मुझे भी लगाने हैं। व्हील कैप इसके टूट गए थे तो अभी तक मैंने इसके लगाए नहीं, लगाऊंगा जल्दी ही। और आगे भी आप देख सकते हैं कि आगे भी मैंने इसमें कुछ भी कोई डिफरेंट कुछ भी नहीं लगा रखा है, लेकिन अंदर मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर की तरफ यदि हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए दोस्तों, तो एक तो इसमें मेन मेन जो चीज़ होती है दोस्तों गाड़ी के अंदर, एक तो ये होता है होल्डर जो मोबाइल होल्डर के नाम से आता है। तो मोबाइल होल्डर जो है आपकी गाड़ी के अंदर होना चाहिए, तो ये मैंने लगा रखा है। और इसमें मैं डिफरेंट चीज़ और ये रखता हूँ कि कभी मैं इसमें गाड़ी के अंदर कुछ मोबाइल वगैरह नहीं लगाता हूँ तो ये वॉच ज़रूर रखता हूँ अपने पास, जो कि रेसिंग वॉच के नाम से आती है, और वो इसके बीच में यहाँ पर फिट हो जाती है। ठीक है, इसको मतलब यहाँ से दबाते हैं तो ये यहाँ से इस प्रकार से इसमें बीच में फिट हो जाती है। तो इसमें मोबाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन हो गई, थोड़ा सा फैशन जो है वो इसमें बन गया, थोड़ी सी ये लुक इसका अच्छा आ रहा है, और टाइम भी इसमें हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम ये जो कुछ लटकाने के लिए कुछ यहाँ पर लगाना चाहे अपने देवता से संबंधित वो लगा सकते हैं। एक मैंने एक लाइट और लगा रखी है दोस्तों, स्पेशली ये गाड़ी नहीं देती है, इसका ये स्विच मैंने कर रखा है इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों ये जो है इस ये लाइट हम जलाते हैं तो पूरी पीछे तक जो रोशनी है वो यहाँ से होती है इस प्रकार से। तो ये लाइट मैंने लगा रखी है, इसकी वायरिंग जो है मैंने ये कर रखी है। ये जो वायर है ये थोड़ा लुक दे रहा है इस गाड़ी के अंदर। ये जो वायर है वो वही है टेलीफोन वाला वायर, 15-20 रुपए में आता है। तो यह कोई पुराना टेलीफोन होगा तो उसका वायर आप काट के लगा सकते हो। ये 12 वोल्ट से है तो यहाँ से इसके मैंने दो तार जो है वो इसमें से लेने के बाद में यहाँ पर 12 वोल्ट का कनेक्शन देने के बाद में आप गाड़ी से 12 वोल्ट उठा सकते हैं कहीं से भी, और फिर ये जो लाइट है वो आप इसमें बटन से सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने कुछ खास खास चीज़ें और रख रखी हैं। एक तो ये मैंने सिस्टम बना रखा है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये मैंने कैसे बना रखा है। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पर भी स्पेस बना रखा है, इस स्पेस को मैंने बिल्कुल अच्छे से मेंटेन कर रखा है। तो मैंने कैसे कर रखा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और पीछे की साइड में भी मैंने लाइटें वगैरह लगा रखी हैं, LEDs वगैरह लगा रखी है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। तो अभी तक जो अपना वीडियो उस वीडियो पर बराबर बने रही है। तो देखिए दोस्तों गाड़ी के जो बीच में जगह आती है, तो मतलब दोनों जो सीटें होती है, दोनों सीटें, इन दोनों सीटों के बीच में जो जगह आती है उस जगह को मैंने ऐसे कवर कर रखा है। एक मैंने इस प्रकार से ये बना रखा है, डिब्बा टाइप का बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की साइड से। अभी आगे की साइड में तो मैंने ये बना रखा है जिसमें ये एक पेन बॉक्स आता है, ये मैंने यहाँ पर लगा रखा है। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, जब चाहे तो इसको उठा सकते हैं। ये मैंने कारपेट बिछा रखा है तो नीचे बॉडी इसमें ख़राब नहीं होगी, कारपेट के ऊपर मैंने चिपका रखा है। यहाँ पर परफ्यूम रख रखा है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कुछ वो रख रखी हैं, कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह रख रखी हैं। ठीक है, और पेन वगैरह रखने के लिए भी अच्छी जगह है, यहाँ पर भी अपन मोबाइल वगैरह सब अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, ये सब हम अच्छे से कर सकते हैं। ये मैंने कुछ अलग से मेरी वायरिंग मैंने बना रखी है जो मैं अलग अलग तरीके से चलाता हूँ, किसी को मुझे चलाना होता है वो चीज़ मैं चला लेता हूँ। यहाँ तक कि ऐसे भी मेरी यहीं से चलती है गाड़ी की। ये जो है वो तो इसका कभी भी ख़राब हो गया था, इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया था, ये इसका काम नहीं करता था, इसलिए मैंने इसके जो बटन है वो यहाँ पर फिट कर दिए। इससे तो ऐसी चलती है और इससे 3 और 4 नंबर चलता है, तो ये मैंने पहले से एडजस्ट कर दिया था, मैंने बताया था आपको इसके बारे में। इसके अलावा एक मैंने लाइट लगा रखी है दोस्तों नीचे की साइड में, यहाँ पर नीचे की साइड में एक लाइट और लगा रखी है जो कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से। और इसका ये रिमोट है जिस रिमोट से हम इसमें चेंज कर सकते हैं, तरह तरह के मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी मोड आपको चाहिए वो मोड आप इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो भी आपको मोड चाहिए
तो ये लाइट मैंने यहाँ पर लगा रखी है जो कि यहाँ से क्रिएट होती है। और दूसरी बात, मेरे को गाड़ी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जब मैं चार्ज करता हूँ मोबाइल को तो मेरे को गाड़ी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्विच सिस्टम लगा रखा है, इसमें से मैंने तार काट लिया था इसमें से और स्विच सिस्टम बना दिया, तो गाड़ी स्टार्ट किए बिना ही मैं इसको चार्ज कर सकता हूँ किसी मोबाइल को। तो ये मैंने सिस्टम अलग से बना रखा है और ये यहाँ तक आती है लाइट, यहाँ तक, समझ रहे हो, लाइट नीचे तक आती है इस प्रकार से। तो ये तो कुछ लाइटिंग का सिस्टम था दोस्तों गाड़ी के अंदर। इसी प्रकार हम यदि पीछे की सीट पर चलते हैं तो ये मैंने बना रखा है दोस्तों यहाँ पर, ये एक छोटा सा बॉक्स बनवा के मैंने लगा रखा है। ये बॉक्स लगवाया था यहाँ पर एक स्क्रू खींच के, और ये आप देख रहे दोनों सीटों के बीच की जगह है, इसके ऊपर एक बॉक्स और लगा रखा है और इसमें मैंने बॉटल्स रख रखी है पानी की। तो ये बिल्कुल से अच्छा शानदार जो लुक है वो दे रहा है, एज ए हैंड रेस्ट के रूप में भी हो गया। इसको यदि मैं हटा देता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई कपड़ा डाल देता हूँ तो हैंड रेस्ट हो जाता है अच्छे से, इस पर हाथ रख सकते हैं इसको मैं यदि हटा दूँ तो, और यदि लगा रखा है तो इसका लुक बन रहा है। ये कोई ऐसे साफ़ वगैरह करने के लिए मैंने रख रखा है, वॉशिंग के लिए कोई भी चीज़ अपने को साफ़ करनी होती है, और इसका लुक बन रहा अच्छे से। इसी पर मैंने एक चार्जर फिट कर रखा है, ये चार्जर, इसका बटन यहाँ से है इस प्रकार से, ये बटन दबा देते हैं तो यहाँ से ये चालू हो जाता है। इसमें दो चार्जर हैं, इसमें दो मोबाइल आसानी से चार्ज कर सकते हैं। ये मैंने खुद ने बनाया था। यदि आपको जानना है कि ये कैसे बनाया था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं बताता हूँ कि आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनता है, कैसे इसकी वायरिंग होती है। गाड़ी बंद पे ही चार्ज होता है, ठीक है। अब जैसे गाड़ी बंद है उसी में ये कोई भी मोबाइल आप चार्ज कर सकते हो, आगे वाले से भी चार्ज कर सकते हो, वहाँ से भी और यहाँ से भी, इसमें गाड़ी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो बॉक्स है बहुत काम की चीज़ है, इसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हो, जैसे कि मैंने भी इसमें चीज़ें रख रखी हैं, पानी की बॉटल्स वगैरह। ये अच्छा क्लीनर होता है दोस्तों, ये क्लीनर है, ये ऐसा क्लीनर डैशबोर्ड को बिल्कुल से अच्छे से क्लीन कर देता है, 20-25 रुपए में आता है, और डैशबोर्ड को इतना अच्छे से क्लीन करता है, आपकी सीट वगैरह इसको अच्छे से क्लीन करता है। तो मैं आपको इसका वीडियो जो है बना के दिखाऊंगा कि इससे क्लीन कैसे करेंगे, बिल्कुल से अच्छे से क्लीनिंग आती है, बिल्कुल से अच्छी सफाई होती है। एक कपड़ा चाहिएगा इसके लिए, तो ये आपको मैं बताऊँगा। ये मैंने यहाँ से सिस्टम बना रखा है ऐसा। इसके अलावा एक ये LED मैंने लगा रखी है यहाँ से, ये देखिए, ये LCD स्क्रीन, सॉरी, तो LCD यहाँ से लगा रखी है, तो गाड़ी चालू करते हैं तो LCD चल जाती है यहाँ से। और इसमें दो लाइटें भी होती हैं, यहाँ पर पहले लाइट का ऑप्शन आता था, जैसे कि ये लाइट का ऑप्शन आता है ऐसे लाइट का ऑप्शन यहाँ भी आता था, इसको हटा के मैंने यहाँ पर LCD लगाई है, जिसमें अपन मोमेंट भी होता है, मूव भी कर सकते हैं इस प्रकार से कहीं पर भी ये आसानी से मूव हो सकता है इस प्रकार से, और इसको हम चाहें तो बंद कर सकते हैं, तो ये लुक दे सकते हैं, लाइट वगैरह यहाँ से चल सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पीछे की लाइट की। पीछे की लाइट में मैंने क्या ऐसा लगा रखा है, क्या ऐसा सिस्टम कर रखा है, पीछे भी बिल्कुल अच्छे से मैंने अच्छे से मेंटेन कर रखा है, मैं आपको पीछे की साइड में भी लेके चलता हूँ। अभी तो चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। तो दोस्तों हम गाड़ी के पीछे की तरफ आ गए हैं। तो ये जो लाइट है, इस लाइट में मैंने ये दो LED लगा रखी हैं। इसका जो बल्ब है वो मैंने पहले से निकाल के रख दिया था, बल्ब पहले से निकल गया था इसका, अब ये गर्म नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं, LED लगा रखी है, 1-1 रुपये की है। और ये लाइट जो है वो यहाँ से चलती है, लाइट जो चल रही है वो है, देखिए जैसे कि अभी ये बंद हो रही है इस प्रकार से, ये चालू हो गई, तो ये लाइट जो है वो मैंने लगा रखी है। दिया गाड़ी बंद होती है यहाँ से तो ये लाइट है, 100 रुपये की प्लेट आती है, ये प्लेट मैंने लगा रखी है, और इसको ऐसे खोल देते हैं गेट को, तो यहाँ पर आप कोई भी काम करते हो या नीचे बैठ के, तो ये लाइट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और आप यहाँ पर बैठ के आसानी से इस लाइट से काम कर सकते हो। जैसे कि हम बाहर टूर पर जाते हैं तो वहाँ पर इसके लिए, इससे हम बहुत सारा काम कर लेते हैं लाइट से। इसके अलावा मैंने कुछ ये बिछा रखी हैं इसमें काम की चीज़ें, और स्पीकर्स वगैरह वूफर्स के लिए लगा रखे हैं यहाँ पर, ये सेट वगैरह के लिए लगा रखे हैं धूप नहीं आए, और एक्स्ट्राज में मैं यहाँ रखता हूँ ये सब चीज़ें, ऑयल वगैरह ये सब। तो ये बहुत काम की चीज़ है, जगह जगह पर जब हम कहीं जाते हैं तो स्टीयरिंग ऑयल और ये जो अपने पास क्लच ऑयल है वो अपने हमारे पास बराबर होने चाहिए। गाड़ी में स्पीकर्स वगैरह एक्स्ट्रा आते ही हैं। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा स्पीकर जो ये लगा रखा है, बाकी क्लीनिंग वगैरह आप देख रहे हैं, एक्स्ट्रा दरी वगैरह हम रखते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह जो भी अपने को जो चाहिए वो हम गाड़ी के अंदर ही रखते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की, कि गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम कैसा लगाया जाए, किस प्रकार से लगाया जाए। स्पीकर तो मैंने आपको बैक साइड में दिखा दिया, इतना बड़ा स्पीकर मैंने रख रखा है जो कि एज ए वूफर टाइप में है। इसके अलावा हम और क्या लगाएं कि गाड़ी के अंदर जो आवाज़ है वो इंक्रीमेंट हो सके, सुनने में थोड़ा मज़ा आए। तो दोस्तों आपको स्टीरियो सिस्टम चाहिए तो इसके लिए टेप मैंने ये लगाई रखी है इस प्रकार से, आप कोई भी टेप लगा सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये टेप लगा रखी है, और इसके अंदर मैं ये जो पेन ड्राइव वगैरह वो नहीं डालता हूँ, इसके अंदर ही कार्ड आता है। जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर आपके टेप में भी यदि व्यवस्था हो ऐसी तो ये खुल जाता है, यहाँ पर ये कार्ड डलता है, ठीक है, SD कार्ड है, इसको मैंने डाल रखा है, ये आप ऐसा रखिए, 16 GB का डाल रखा है। इसके अंदर आप
इस कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। सीडी आजकल चलती नहीं है ज़्यादा, और इसको इस प्रकार से इसके अंदर लगा दीजिए वापस से। सब टेप में अलग अलग होता है, मेरे टेप में ये सिस्टम है और ये मैंने वापस से बंद कर दिया, तो यहाँ पर ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप एक्स्ट्रा लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, बाकी ज़रूरी नहीं है। ब्लूटूथ डिवाइस भी गाड़ी में है, ये रही, तो कोई ब्लूटूथ से करना हो तो ब्लूटूथ लगा के, ये वायर सिस्टम है तो यहाँ से अपन मोबाइल से डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते हैं, ब्लूटूथ से भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक मेन चीज़ होती है, ये एम्पलीफायर की प्लेट, ये विदेश से मंगाई हुई प्लेट है, आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्लेट होती है, इस प्लेट से वायरिंग मैंने कर रखी है और ये सीट के नीचे इस प्रकार से एडजस्ट कर देते हैं, तो इसका जो साउंड है वो पीछे की साइड में जो आप स्पीकर देख रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है, तो ये साउंड में इंक्रीमेंट हो जाता है बहुत ही गजब तरीके का। ये अलग से प्लेट होती है जो एडजस्ट डीजे का काम करती है कहीं पर भी अपन काम करें तो, और स्पीकर एक्स्ट्रा होते ही हैं। यहाँ पर स्पीकर है, एक वहाँ पर स्पीकर है, इसके अलावा ट्यूटर्स लगा रखे हैं, ट्यूटर यहाँ लगा रखा है, एक ट्यूटर आप वहाँ देख रहे हैं वहाँ पर ट्यूटर लगा रखा है। इसके अलावा दो तो ये बड़े बड़े, दो तो यहाँ के स्पीकर हो गए, दो ट्यूटर हो गए, चार, एक पीछे की साइड में जो मैंने बूफर बताया था वो है पाँच, दो स्पीकर और उधर रखे हैं, ठीक है, तो सात। ऐसे इसमें पूरा म्यूजिक सिस्टम है जो कि अच्छे से इसके अंदर जो साउंड है उसका इंक्रीमेंट करता है, और बहुत ही आनंद आता है दोस्तों जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं। ये आर्मरेस्ट के रूप में हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ भी इसमें लगाएं, चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं, कोई खर्चे की वो बुनियाद नहीं होती, आप चाहे उतना लगा सकते हैं। क्या क्या आप इसमें खर्चा करना चाहते हैं वो आप गाड़ी में कर सकते हैं। मैं अपनी गाड़ी को पूरी क्लीनिंग रखता हूँ, रूफ की क्लीनिंग वगैरह मैंने अभी थोड़े दिन पहले करी थी, तो जैसे जैसे टाइम जाता है दोस्तों उतनी तो नहीं हो पाती बिल्कुल क्लीनिंग, लेकिन ज़रूर इसमें बहुत सारा बदलाव होता है। इसके अलावा मैंने आपको जो इसके जितने भी इसके ये आप गेट दिखाई दे रहे हैं, इसके मिरर वगैरह हैं, उसके मैंने सारी जो क्लीनिंग है वो सिखाई थी, और जो मिरर है वो आसानी से नहीं खुलते, तो इसके लिए मैंने वीडियो जब अच्छे से बना दिया था जो कि आपने देखा भी होगा, लाइक भी किया होगा, और इस टाइप से ये पूरा जो गाड़ी का लुक है वो बन जाता है, और चलाने में भी दोस्तों बहुत ही आनंद आता है। इसी प्रकार से मैं आपके लिए नए नए वीडियो जो है वो तरह तरह के बनाता रहता हूँ। आपको और भी कोई और अच्छा सिस्टम चाहिए, और अच्छा कोई आप वीडियो मुझसे बनवाना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक मैंने राधे राधे का भी लगा रखा है, इस प्रकार से ये लाइट जल जाती है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, गणेश जी के आगे भी लाइट जल जाती है। ये सारे एक एक दो दो रुपए के खर्चे हैं, लेकिन लुक थोड़ा सा है, सबका अलग अलग होता है सिस्टम सबका, मुझे अच्छा लगता है ऐसा कुछ बनाना, तो इसका मैंने वीडियो बनाया था 2 रुपए के अंदर LED जो है वो यहाँ पर कैसे लगाएं, इसका वीडियो मैंने बता दिया था, जो कि आप देख सकते हैं, चेक कीजिए मेरे जो ओल्ड वीडियोज़ हैं उसके अंदर। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जो तवेरा होती है उसके अंदर हम किस प्रकार से नया नया मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं। ये सारा मॉडिफिकेशन आप तवेरा में नहीं और गाड़ियों में भी आसानी से कर सकते हैं, तो आप आसानी से घर पर कीजिए, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा लुक बन जाता है, थोड़ा मज़ा आता है, बाहर जाते हैं थोड़ा सा, तो मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तभी तो इसमें थकता नहीं हूँ, क्योंकि एज ए मैं इसको रूम के हिसाब से बना रखा है, मैंने घर के हिसाब से इसको बना रखा है। इसमें और भी मैं जब बाहर जाता हूँ तो लाइटें वगैरह और तरह तरह की मैंने बना रखी हैं LEDs वगैरह, तो उसको मैं पिन सिस्टम बना रखे हैं, उसको मैं बाहर कहीं पर भी लगाता हूँ तो लाइटिंग वगैरह कर लेता हूँ, ऐसा बहुत कुछ सिस्टम है वो मैंने बना रखा है। तो ये तो हो गया इससे संबंधित। अब दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो मैं गाड़ी के वीडियोस बनाता हूं वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो तवेरा नाम से प्लेलिस्ट है शेवरोले तवेरा, उसमें गाड़ी के वीडियोस हैं वो सारे के सारे आपको वहां मिल जाएंगे। मेरा चैनल जो है दोस्तों वो है ऑल इन वन वीडियो चैनल, इस चैनल में मैं सब प्रकार की वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आप ये नहीं समझे कि आपने ये बना दिया वो बना दिया, इसमें ऑल इन वन वीडियो चैनल है, तो मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट में सब की सब चीज़ें मौजूद हैं प्लेलिस्ट के अंदर। उसके अंदर आपको यदि पेड़ पौधों से रिलेटेड चाहिए तो उसका प्लांट्स का प्लेलिस्ट है, और वृंदावन से संबंधित चाहिए तो वो भी है, माताजी वीडियोज़ हैं वो अलग हैं, यहाँ पर भजन के वीडियोज़ हैं वो अलग हैं, इसी प्रकार से मशीन की वीडियोज़ मिलेंगे, इसी प्रकार लोहागल धाम की वीडियोज़ बनेंगे, वृंदावन उत्तर प्रदेश के वीडियोज़ बनेंगे, शेवरोले तवेरा के वीडियोज़ मिलेंगे, सबके अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको जो वीडियो चाहिए वहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, जय श्री श्याम, राधे राधे।